जॉन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बिल्कुल डैड। मैंने एक नई खोज की है मगर अब तक किसी को नहीं बताया। जो ग्रेविटी हमें पृथ्वी पर रोके रखती है वो न्यूटन के मुताबिक ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखती है। मैंने पता किया है वही ग्रेविटी दूर के तारों पर भी लागू होती है। डैड, मगर आप ये कैसे जानते हो? आसमान में कॉन्स्टेलेशन ऑफ लायन ढूंढ सकते हो? वो रहा। बहुत बढ़िया। क्या तुम अब वो तारा बता सकते हो जो लायन के सिर को उसके शरीर से जोड़ता है? वो है ना? वो तारा वो असल में दो तारे हैं जो इतने करीब हैं कि एक ही नजर आते हैं। मैं कई सालों से इन्हें अपने टेलीस्कोप से देखता आ रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। कितने धीमे धीमे वो एक दूसरे के आसपास नाच रहे हैं। कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर इतना धीमे नहीं लगाता। आज हमें दिखने वाले ज्यादातर तारे हो सकता है किसी नजर न आने वाले पार्टनर के साथ नाच रहे हों। ग्रेविटी, उसी की वजह से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है।